रही है। देखो ये देखिए, आज हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर महाराज के मंदिर। ये गुप्तेश्वर महाराज का सेकंड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखिए होटल है, ये पेड़ बीचों बीच आया हुआ है मंदिर। ये देखिए सर कितना अच्छा नज़ारा है, मज़ा आएगा वास्तव में देखने में। देखोगे तभी पता चलता है। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखो पेड़ हरे भरे, कुछ अलग ही मज़ा है। इस मौसम में उदयपुर में आने का मज़ा ही कुछ अलग ही है वास्तव में दोस्त। आप यकीन नहीं करोगे कि उदयपुर का ही कोई एक घूमने जैसी चीज़ है। देखो पहाड़ है, ग्रीन ग्रीन। वास्तव में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक घूमने जैसा लायक। वैसे आप जानते ही हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दोस्तों, धीरे 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 हमारे साथी लगभग मंदिर में पहुंच चुके हैं और हम भी पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय बाद। जल्दी आपसे मिलेंगे हमारे साथियों को से। दोस्तों आज हमारी मारवाड़ में आम भाषा में बोला जाता है कि सावन का लास्ट सोमवार है, इसलिए हम आज गुप्तेश्वर घूमने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए लोग आ रहे हैं गाड़ियों। ये देखिए गुप्तेश्वर प्रवेश द्वार, ये ताऊ जी की दुकान। प्रवेश हो चुका हूँ प्रवेश द्वार में। अब धीरे 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 आपको गुप्तेश्वर की ओर लेके जाऊंगा। अंत तक बने रहिएगा वीडियो को, अंत तक देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बैठे हैं अंकल जी, शिव सागर आइसक्रीम गोल। ये सेकंड द्वार, अब इससे अंदर प्रेस होंगे हम। दोस्तों सेकंड द्वार में प्रेस हो चुके हैं, अब हम गुप्तेश्वर बहुत ही नज़दीक हैं। दोस्तों ये मंदिर पहाड़ पर है और अब पहाड़ पर चढ़ेंगे हम। गुप्तेश्वर का थर्ड द्वार, अब ये चढ़ने की सीढ़ियाँ आ चुकी है। ये पहली सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ेंगे, चढ़ने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। पहाड़ मैं आज मंदिर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये पहाड़ों का वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। जा चुके हैं और कोई वापस आ रहा है बंदे। ये साथी जा चुके हैं लगभग, हम भी ऊपर चलते हैं। ये दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं, ये मेरा आगे भाई चल रहा है। ये देखिए उदयपुर का नज़ारा। ये देखिए ये खाई है, मारवाड़ी बोली जाती खाई, जैसे ध्यान भटका समझो यहाँ से भटका। मैं लगभग दोस्तों के पास पहुँच चुका हूँ। ये देखिए मेरे फ्रेंड आगे जा रहे हैं और मैं इसके पीछे पीछे हूँ। ये देखिए उदयपुर का नज़ारा, मैं लगभग मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ लेकिन थोड़ा दूर और ऊपर है मंदिर। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखो वास्तव में मज़ा आ गया। ये देखिए ये है ऊपर जाने का रास्ता, धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं। ये है ऊपर जाने का रास्ता, देखो दोस्तों मैं लगभग अब मंदिर के पास पहुंच गया हूँ। और ये मंदिर के पास का वीडियो, ये तालाब है, ये देखो धीरे धीरे आ रहे हैं बंदे। और ये इतना डीप गहरा गड्ढा है कि जो यहाँ से अंदर गिर जाते हैं तो वापस पता नहीं चलता कहाँ गया। देखिए दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर अब, ये देखो अब पहुँचने वाला हूँ मंदिर। तो दोस्तों मैं मंदिर पर पहुँच चुका हूँ, अब मंदिर के पास ही खड़ा हूँ टॉप पे, जहाँ मैंने बताया था पर्वत के ऊपर वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ मंदिर है। अभी फ़िलहाल वहीं हूँ। ये देखिए ये है मंदिर का नज़ारा और हमारे साथी आए हुए हैं, कोई हाथ धो रहा है कोई मुँह धो रहा है। बाकी और मंदिर में जा चुके हैं और हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ है, ये चंडी है भगवा रंग की। हम मंदिर के पास खड़े हैं, ये देखो पहाड़ के ऊपर ऊपर का व्यूज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए भोलेनाथ की तस्वीर, त्रिशूल है, ये डमरू त्रिशूल है, ये देखो सन लिखा हुआ है। ये प्रवेश द्वार है, अब हम इस द्वार से प्रवेश करेंगे गुफा के अंदर। ये घंटा है भैया जा रहा हूँ। ये देखो आज अलग ही वीडियो आपको बता रहा हूँ। ये देखो ऊपर जाने का और पीछे मंदिर भी है, पहाड़, ये मंदिर के ऊपर और ये देखो मंदिर है, जहाँ गुफा के अंदर मंदिर होता है वो गुफा के ऊपर। ये देखो ये ऊपर और है। दोस्तों ये कैसा लग रहा है आपको नज़ारा? मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है वास्तव में, ऐसा माहौल कभी लाइफ में नहीं देखा है। उदयपुर आने के बाद ही पता चला कहाँ कि हाँ ऐसा भी माहौल होता है। दोस्तों कैसा लग रहा है नज़ारा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज मंदिर के ऊपर खड़ा हूँ, ये देखो जंगला लगा हुआ है इसके ऊपर जस्ट। मज़े की बात देखो पहाड़ के ऊपर भी कच्चा घर, ये देखो ये भी कोई, देखो पहाड़ के ऊपर कच्चा घर, पता नहीं किसने बनाया यार, हिम्मत रखिए। देखो कैसा नज़ारा है वास्तव में, देखने में मज़ा भी अलग ही आता है। टीम आरएसएस की भीत,
पता नहीं किसने बनाई है। वास्तव में बनाने वालों को भी शाबाशी देना चाहता हूँ कि ऊपर से इतना कच्चा माल लेके आया और उसमें भीत बनाई है। देखो ये पहाड़ के ऊपर का हिंसा है, साथ ही मज़े ले रहे हैं। देखो देखोगे तो वास्तव में मज़ा आएगा। मैं ये पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ, सबसे टॉप है।